व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, आज 6 जून 2021 और बहरिया टाउन कराची की करीब कसिया करीब तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों ने बहरिया टाउन कराची पे धावा बोला है। और ये आप देख रहे हैं, ये बहरिया टाउन का मेन गेट है। मैं इसके अंदर क्लिप्स को एज इट इज़ ही रहने दूंगा ताकि आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकें कन्वर्सेशन से, और आपको आइडिया हो कि क्या ये इफेक्टिव है या किसी सोचे समझे प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया है। जिना एवेन्यू मेन बुलेवार्ड पे जितने भी तकरीबन ऑफिसेज हैं ग्राउंड फ्लोर के और फर्स्ट फ्लोर के सारे जला दिए गए हैं। और इसी तरह जो मेन वहाँ पे जो बर्गर किंग और इस तरह की जो चीज़ें थी उन सब को भी जला दिया गया है। आरडीज को भी आप देख सकते हैं, ये जो मॉब है ये लोग को झंडे हैं और ये ऑफिस देख सकते हैं कि शीशे तोड़ हैं। बहरिया टाउन की सिक्योरिटी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि क्राउड इतना बड़ा था कि शायद सिक्योरिटी ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। मगर ये जो भी हुआ है तो आपके सामने इसके अंदर लोगों का नुकसान हुआ। यार चाहो तो ना चाहो पर समा तो ना चाहो शीशे बने तो मारो तो ना समा ना पड़ो करो ना चाहो समा तो ना चाहो समा तो ना चाहो हर चीज को प्रॉपर तरीके से पूरे पाजो शीशा तोड़े अब यार, शीशा तोड़े यार, कुरान पाक का ख्याल करें, ये बदतमीजी तो ना करें यार, किसी का ऑफिस है यार, हमारे से क्या झगड़ा यार आप लोगों का, नहीं आपसे कोई झगड़ा यार, ये सारा तोड़ फोड़ तो रख दिया यार थोड़ा, हमारा तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फंड्स नहीं मिले, जो कोई झगड़ा नहीं करना आप करना है मर दिया यार और भी जो फैक्ट्रीज हैं लोगों को बताने के लिए। मगर ये बाहर जो मौत नज़र आ रहा है, जो क्राउड नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी बोला पहले टाइम का फैक्ट्रीज तो मुझे नज़र आ रहा है। फैसला मैं आप भी खैर छोड़ता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी रिकॉर्डिंग्स कन्वर्सेशंस हैं उनको हमने ओपन इसलिए छोड़ा और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि फैसला आप कर सकते हैं कि ये क्या है। इसके लिए राय जरूर थे कमेंट्स के अंदर, और ये कराची की आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल है। और ये मेन गेट आप देख सकते हैं जिसको आग लगाई है, मुख्तलिफ क्लिप्स हैं जिनको कंबाइन करके लिया गया है। बाकी जिना एवेन्यू पे जितने भी ऑफिसेज हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आबादी की तरफ नहीं अभी ये लोग पहुंचे, और उतनी देर में कुछ ना कुछ कवरेज हुई है। अदरवाइज रेजिडेंस भी आपको पता है बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हैं ये लोग। ये आप ऑफिसेज देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे ये बिजनेस ट्रेड सेंटर है बहरिया टाउन कराची का। ये देखिए ये गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ी आग लगाने के लिए गाड़ी को निकाल, ये ऑफिसेज लोगों की कन्वर्सेशन आप सुन सकते हो, इन लोगों ने उनके क्या अजाइम थे, ये कौन लोग हैं। इफेक्टिव जो है वो इस तरह के पंडाल होता है, जो इफेक्टिव के हमने देखते हैं फोकस और ये कोई कराची का सामने फोकस बिल्कुल स्कूल फोकस होता है। लोग ना महाला दोनों साइड बैठे आज की जो है ये बिल्कुल समय से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अगर आप देखें तो
कराची जैसे बड़े शहर में पुलिस रेंजर्स ये सब कहाँ है। ये मेन बुलेवार्ड है, ये जो झंडे इन्होंने उठाए जी एस एम के जो मेरे मतलब इसमें तो कौन हमें हिदायत दे इस तरह की चीज़ों को कुछ बन गया। ये शोरूम से ये सुजुकी का शोरूम है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने है कि गाड़ियां उल्टा के ये रेजिडेंस वाली साइड से, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन गेट की एंट्रेंस आपके सामने है। इसके आखिर में एक क्लिप है जिसके अंदर बहुत क्लियरली इस मॉब को लीड कर रहा था बंदा, उसके आखिर कन्वर्सेशन भी आप सुन सकते हैं। उस कन्वर्सेशन के बाद फिर आप फैसला करेंगे क्या और क्या ये किसी स्कीम के तहत है, किसी प्लान के तहत है, या ये वाकई कस्टम है, और क्या ये वो लोग हैं जिनकी फाइल्स और धमाका कहो खबर पाइए ने मलिक राज कुत्ते के पंहिंजे जाननि जी परवाह न कंदे सिंधी कौम खुदा जे साथ ही कसम अज दिल खुश थी गई सालन जा दुख तत कम नहीं आ नचनासी इंशाल्लाह घर में खड़ी इनन के घर में खड़ी खड़ा 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 तवा सिंधी कौम जो आ फुरियल माल ठीक है को थैंक यू हेना से थैंक यू किथे आ जाए इडी भला बात इडी भला बात आसे दे सजो मुकम्मल तबाह करे नी ही सिंधी कौम जी मिल्कियत आ अली अली हालत